बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद नीतीश कुमार ने एक बार फिर से इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार इस्तीफा देने से ठीक पहले बिहार में कैबिनेट की अंतिम बैठक की। कैबिनेट के बैठक में नीतीश कुमार ने बिहार के सभी मंत्रियों के कामों को लेकर उन्हें धन्यवाद दिया। कहा कि आपने पिछले 5 साल बहुत ही अच्छे तरीके से काम किए, आपके काम हमेशा याद किए जाएंगे। खास तौर पे जब महामारी के वक्त कोरोना के संकट जब बिहार झेल रहा था, इस वक्त बिहार में जो मंत्रिमंडल था नीतीश कुमार का, उसमें सभी मंत्रियों ने जिस तरीके से मेहनत की, उसके वजह से उनके कामों को याद करने की बात नीतीश कुमार कर रहे थे। हालांकि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4:45 पर राजभवन पहुंचे और वहां वो अपना इस्तीफा राज्यपाल फागु चौहान को सौंप दी। साथ ही साथ नई सरकार के गठन की जो अब कवायद है वो तेज हो गई है। नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंपने से पहले बिहार में मुख्यमंत्री आवास के अंदर सभी एनडीए के जो घटक दल हैं, जो बड़े नेता हैं उस दल के, उनके साथ एक बैठक की। बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया कि अगली सरकार अगर बनती है तो उसमें नेता कौन होंगे, कौन कौन से लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तमाम मुद्दों पर सहमति बनने के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 15 नवंबर को एनडीए विधायक दल की बैठक की जाएगी। बैठक में नेता चुना जाएगा, चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का वो दिन तय किया जाएगा। साथ ही साथ मंत्रिमंडल में कौन कौन से सदस्य शामिल होंगे ये भी 15 नवंबर को ही तय किया जाएगा। यानी 15 नवंबर के दोपहर 12 बजे के बाद एक बार फिर से बिहार की सियासत में सरकार बनाने को लेकर जो हलचल है वो तेज़ हो जाएगी। साथ ही साथ नीतीश को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए, यानी नीतीश कुमार 7वीं बार जो कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। आज नीतीश कुमार जब एनडीए नेताओं के साथ बैठक करके बाहर निकले थे तो उनके चेहरे पर जो भाव था, जो बॉडी लैंग्वेज था, वो साफ साफ बता रहा था कि नीतीश कुमार जिस तरीके से एनडीए के अंदर अपने कद को लेके हमेशा से जाने जाते रहे, एक बार फिर से उनके चेहरे पर एनडीए के तमाम नेताओं ने भरोसा जताया है। और आज नीतीश कुमार, उसके बाद 4 बजे का जो वक्त रखा गया कि बिहार में जो नीतीश कुमार की जो सरकार थी, उसके जो मंत्री थे, उनकी अंतिम कैबिनेट की जो बैठक है वो की जाए। हालांकि ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया, क्योंकि कोरोना के वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी मंत्री के साथ फेस टू फेस बैठ के बैठक नहीं कर रहे थे। इसके पहले भी जब भी कोरोना काल में जो बैठकें हुई है कैबिनेट की, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी। आखिरी बैठक भी नीतीश कुमार के इस मंत्रिमंडल काल के लिए सबसे अनोखा रहा, क्योंकि अंतिम बैठक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस सरकार को भंग कर दिया जाए, जो कैबिनेट है उसको भंग कर दिया जाए। और इसी सभी मंत्रियों से सहमति मिलने के बाद नीतीश कुमार अपना इस्तीफा लेके, सभी मंत्रियों का इस्तीफा लेके राजभवन पहुंचे थे, जहां राज्यपाल फागु चौहान से औपचारिक मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा दिया। उसके बाद नई सरकार के गठन तक नीतीश कुमार को राजभवन की तरफ से कार्यकारी मुख्यमंत्री के तौर पे बने रहने के जो बातें हैं वो निकल के सामने आई कि मुख्यमंत्री फिलहाल कार्यकारी, जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता, नीतीश कुमार बने रहेंगे। राज्यपाल फागु चौहान की तरफ से ये जो सूचना है वो दी गई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के तमाम नेताओं के साथ फिर राजभवन से बाहर निकले। नीतीश कुमार जब राजभवन अपना इस्तीफा सौंपने गए थे, उस समय भाजपा के बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। साथ ही साथ एनडीए गठबंधन के जो दूसरे घटक दल हैं वो भी, और उनके जो नेता हैं वो मौजूद थे। नीतीश कुमार ने आखिरकार अपना इस्तीफा दे के बिहार में एक बार फिर से नई सरकार गठन करने की कवायद तेज कर चुके हैं। गाड़ी है ढेर भाई, खेलते पर गाड़ी है।